नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर कौसाम्बी से। देश में भाजपा नीति केंद्र सरकार जब किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आई है, जिससे किसानों के अधिकारों पर भारी कटौती हुई है। ऐसे में जब किसान कार्यकर्ता और किसान समर्थक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस जबरिया रोक रही है। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और गलत है। उक्त बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने बुधवार को देश के किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के अवसर पर गिरफ्तारी के बाद कही। इस मौके पर बोलते हुए पार्टी नेता वेद प्रकाश पांडे सत्यार्थी ने कहा कि जिस तरीके से आज सरकार बल के दम पर किसानों के आंदोलन को रोकना चाहती है, वह पूरी तरह से गैर प्रजातांत्रिक है। आज देश के किसान अपने अधिकार के लिए सड़क पर हैं। ऐसे में सरकार हिटलर शाही वाले रवैया अख्तियार करे हुए है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की बातों को सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। इस मौके पर को ग्रुप से आशीष कुमार मिश्रा, पप्पू, अंकुर शुक्ला, भारत गौतम, आसिफ रिजवी, बरसाती लाल पंडा, मथुरा दुबे, छितानी लाल दिवाकर, राजू कुशवाहा, नसनूरुल हसन, गुलाम मोहम्मद, असगर मदनी, कमलाकांत शुक्ला, इजहार अब्बास, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे। आज किसान दिवस के अवसर पर जब हम कांग्रेस के सिपाही किसानों की समस्याओं को लेकर सांसद कार्यालय के सामने ताली और थाली बजाने जा रहे थे, तभी प्रदेश सरकार के इशारे पर अलोकतांत्रिक तरीके से पहुंची मंझनपुर पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। हम किसानों की समस्याओं को लगातार उठाते रहेंगे। सरकार को किसानों की बात माननी ही होगी। हम कांग्रेस के साथ हैं, किसान कांग्रेस किसान के साथ हैं। मैं वेद प्रकाश पांडे, सिराथू विधानसभा से। कौसाम्बी जिला ब्यूरो चीफ सौरभ कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।